तो हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की से एक और न्यू लेटेस्ट गेम प्ले वीडियो में। और भाई आज जो है ये साल का आखिरी दिन है। तुमने इस वाले ईयर में सच में भाई बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल सपोर्ट दिखाया है इस वाले चैनल पे, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ और आगे भी मैं यही होप करता हूँ तुम मेरे साथ मतलब हमेशा देते ही रहोगे यार। और बाकी तुम कमेंट सेक्शन में मुझे अपने न्यू ईयर्स के प्लान बता सकते हो, और बाकी अगर तुम्हारे कोई सीक्रेट प्लान है तो भाई मुझे वो जानने भी नहीं, मतलब ठीक है भाई तुम मजे करो। अभी फिलहाल देखो इस ईयर का ये लास्ट गेम प्ले है, और भाई ये वाला गेम प्ले तो सच में धमाकेदार होने ही वाला था, क्योंकि इस वाले गेम प्ले में तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे भाई 33 किल्स, वो भी बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन में। देखो इस आइलैंड पर उतरा हुआ था मैं, यहाँ पर मेरे हाथ में अब M4 आ चुकी है, उससे पहले मेरे पास DP और म्यूटेंट ही थी। और यार देखो अगर M4 के आगे कोई बंदा आता है ना तो भाई मतलब शायद ही वो बंदा बच पाएगा। अभी फिलहाल उस बंदे को मारा, एक बंदा इधर था, मुझे थोड़ी देर पहले दिखा था भाई यहीं पे, फिर मैंने कहा कहाँ चला गया, इतनी जल्दी तो कहीं नहीं जा सकता, यहीं बैठा हुआ था। अब यार इस वाले बंदे को नॉक फिनिश एकदम साथ के साथ कर दिया, बारी थी और बंदों की जो कि भाई उधर की तरफ थे। पर तुम यहाँ पे एक चीज देखना भाई, जिसे कहते हैं ना कर्मा। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, पूरा का पूरा सर्वाइव करूंगा, बट मेरे टीममेट के साथ एक गलत चीज होगी। और मैं और मेरा जो टीममेट है अभी हम यहाँ पे फिलहाल पुश करते हैं, और सीधा हमें यहाँ पे बंदे दिख भी रहे थे, पर मैंने एक बंदे को नॉक करा, उसका जो है पीछे से टीममेट आया, मेरा टीममेट आगे चला गया था, मैंने उसके टीममेट को फिनिश करा, उसने मेरे टीममेट को फिनिश कर दिया, अब ये और मैं बच रहे थे। मैं थोड़ा सा हरामी, मैंने इसके बंदे को भी मार दिया, अब बारी थी भाई और बंदों को मारने की जो कि मेरे ऊपर पुश कर रहे थे। फिलहाल मुझे साइड में एक बंदा दिखता है बिल्कुल मेरे राइट में, इस वाले बंदे को मैंने थोड़ा डैमेज दिया भाई, इस बंदे ने चीटिंग करी, इसने वहां पे शील्ड टेक ली, मैंने भी शील्ड टेक ली, मैंने कहा कोई नहीं भाई आजा शील्ड के पीछे लड़ लेंगे, बट उसके बाद जो है ये बंदा भाई आ नहीं रहा था। और फिर जो है एक बंदा पीछे से आया तो मैंने इस बंदे को नॉक करा, और इस बंदे को तुरंत के तुरंत मैंने फिनिश कर दिया, क्योंकि भाई वो वाले बंदे को तो इस बंदे ने मार दिया था जिसे मैंने मारा। और अगर ये दो बंदे मेरे से ही फाइट लेते तो आई थिंक मेरे थोड़े ज्यादा किल हो सकते थे, बट कोई नहीं यार, इतने किल्स के पीछे भी क्या ही भागना, 33 किल्स भी मतलब कम नहीं होते, आगे तुम देखते रहना क्या इंटेंस सिचुएशन होगी। अभी फिलहाल वो वाला आइलैंड वहां पे टूट चुका था, मुझे जाना था अपने टीममेट के पास, क्योंकि उसने मेरे लिए गाड़ी ऑलरेडी तैयार रख रखी थी, मतलब भाई ऐसे टीममेट मिल जाए ना तो मतलब मजा ही आ जाए BGMI में। अब फिलहाल हम दोनों ने क्या करा, सबसे पहले ये गाड़ी उठाई, और भाई ये जो यहाँ पे तुमने जानवर सा देखा ना, इसने मेरी हेल्थ मतलब कमी कर दी थी भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक है ये। अब फिलहाल हम अपनी गाड़ी उठा के इधर आते हैं जहाँ पे सारे बंदे ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया मैं, सामने मुझे एक बंदा दिखा, और इस बंदे ने जो है एक बोट को नॉक करा था, तो मैंने इसे साथ के साथ फिनिश कर दिया। और भाई मतलब जब हम दो बंदे स्प्रे दे रहे थे ना तो उस बंदे का फिनिश होना तो बनता था, वो पीछे भी नहीं जा पाया रिच के पता। अब देखो गाइस फिलहाल तो इस वाले बंदे को मार दिया था, और जैसे ही हम इसको लूटने जाते हैं तभी पीछे से एक गाड़ी आती है, और भाई उस वाली गाड़ी की साउंड मुझे आ चुकी थी। और यार यहाँ पे एक बंदा जो हमारे ऊपर रश कर रहा था, सबसे पहले मैं उस बंदे को नॉक करता हूँ, बारी थी और बंदों को मारने की, और भाई ये इंटेंस सीन देखना यहाँ पे। सामने एक नेड करा, दूसरे बंदे भी नेड कर रहे थे, फिर उसके बाद भाई वो पत्थर के पीछे से निकल आए। अब देखो ये बंदा ओपन में पुश कर रहा था, मैं तो शील्ड के पीछे खड़ा हुआ था, तो मैंने इस बंदे को आराम से नॉक करा, भाई पड़ रहा था, उसके नेड से भी डैमेज हो ही गया था। हमने सोचा कि पत्थर के पीछे भी एक और बंदा होगा इसका, पर वो भाई यहाँ पे था नहीं, था यहीं पर साला कैंप कर रहा था। अभी देखना तो कैसे निकलो। जब हमने सब बंदों को मार दिया, सब कुछ हो गया, हम गाड़ी में बैठने लगे, तभी स्प्रे पड़ता है भाई पीछे से। और देखो अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्हीं बंदों को भाई कैंपर भी कहा जाता है, क्योंकि मतलब जिस तरीके से वो स्प्रे वगैरह मार रहा था ना भाई, गलत ही सीन है उस बंदे के। अब फिलहाल तो देखो वो वाले बंदे को भी मार दिया था, उसके बाद हम गाड़ी उठा के आते हैं इधर, हम सोचा कि चलो आओ थोड़े पॉइंट इकट्ठे कर लेते हैं ऊपर जाके, पर नहीं, एक बंदा ही पड़ा हुआ था। और भाई मुझे ये चीज नहीं समझ में आती, ये बंदे हर जगह कैसे
कैसे पड़ जाते भाई, थोड़ा डर नाम की चीज होती नहीं, ओपन में ही लेटा पड़ा भाई, थोड़ी कवर ववर बना ले, शील्ड वगैरह लगा ले, किसी पत्थर के पीछे लेट जाए, बट ओपन में ही लेटा हुआ था वो। अब उसके बाद एक आधा किल मुझे यहाँ पे मिलता है, ज्यादा किल मिलते ही नहीं भाई, उसके बाद बंदे मुझे पेल दे यहाँ। दो तीन किल मुझे उधर मिल गए थे, तो उसके बाद मैंने अपना क्या करा, जंप करा सीधा नीचे, और उसके बाद मिले मुझे बंदे ओपन में फंस गए। पर भाई मेरा टीममेट को पता नहीं क्या हुआ, ओपन में कुछ बंदे थे उन्हें नहीं पता था हम यहाँ पे हैं, इसने भाई फायर दे दिया M4 का और वो बंदे भागने लगे घरों की तरफ। और यार देखो एक बंदा तो जा चुका था, पर मुझे एक बंदे को पता था कि एक गिली सूट वाला बंदा अभी भी बच रहा है, तो चलो जल्दी से चल के उसको मार दें। और भाई मैंने यहाँ पे सिंपल वही करा, इस बंदे को नोक करा और इसको नोक ही छोड़ दिया, मतलब फिनिश करने का तो मुझे एंगल भी नहीं मिल रहा था, और इसका टीममेट इसे बचाने के लिए कितनी मेहनत करता है देखना। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं इसका टीममेट उधर स्मोक डाल के भाई सीधा रिवाइव भी दे देता है, मतलब यहाँ पे हमें ये चीज पता भी नहीं लगी कि वो बंदा कब में को उधर जाके चला गया और रिवाइव भी दे दिया उसने, और इतने में ही पीछे से भी पड़ती है। अब फिलहाल तो मैंने पीछे वाले को नॉक करा, सामने एक शील्ड बनाई, सामने वाले को भी नॉक करा, और ये सामने वाले बंदे को तो मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ। अब बारी थी भाई गिली सूट वाले बंदे को मारने की, और वो मेरे बिल्कुल सामने था, शील्ड उसके पास भी थी, पर भाई उसके पास एक गिली सूट था तो वो ओपन में ही लेटा हुआ था, सोच रहा था किसी को दिख नहीं रहा। पर यार ये चीज़ जो है बहुत बेचारा गलत ही सोच रहा था, फिलहाल तो इस बंदे को भी मारा, ऊपर वाला भी मर गया, और भाई जितने भी बंदे थे सारे के सारे मर गए, अपने टीममेट को फाइनली बचाया, और टीममेट भी खुश हो गया था, कह रहा बरे भाई मतलब बच नहीं सकता था यहाँ पे तो। और यार रिवाइव दिया इसको, क्योंकि अगर रिवाइव नहीं दूंगा मुझे पता है मुझे दो तीन गाली सुना देगा, तो उससे बढ़िया इसे रिवाइव दे देता है ना बेचारे को। अब देखो जैसे मैंने अपने टीममेट को रिवाइव करा, उसके बाद भाई हमें चाहिए थी एक गाड़ी, अब गाड़ी तो हमें बिल्कुल सामने से मिल गई, क्योंकि सामने ही अपने गैराज था, मतलब जो ऊपर बंदे जाते हैं ना उनकी गाड़ी टपाओ और निकलो, यहाँ पे हमने वही सीन करा, दूसरे बंदे की गाड़ी उठाई और हम आए इधर की तरफ। यहाँ भी भाई हर जगह इस वाले मैच में ना मुझे इतने कैंपर्स देखने के लिए मिले ना, मरते मरते बचा मैं बहुत सारी जगह। तो फिलहाल इस बंदे को नॉक कर दे, तुरंत फिनिश करा, क्योंकि मैं कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता भाई, चाहिए ही नहीं मुझे रिस्क। और अब जो है मैं इधर आया, मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोकने के बाद मेरा ध्यान था भाई यहाँ पे एक बंदे पे, क्योंकि राज ने यहाँ पे एक बंदे को नॉक करा था, और मैं इधर टीपीपी ले रहा था, बंदा पीछे पड़ा मेरे, मैंने जैसे ही कोशिश करी शील्ड बनाने की भाई उस बंदे ने मुझे नॉक कर दिया, पर उसके बाद मेरे टीममेट ने मुझे रिवाइव दिया शील्ड बना के, और ये साला मोली वगैरह फेंक रहा था। और यार इस वाले बंदे ने जो क्लोज रेंज में पड़ के मतलब UMP चलाई देना भाई एक बारी के लिए ना, मेरी सांस अटक गई, मैंने कहा भाई गया मतलब खत्म हो गया मेरा सीन, मैं क्या ही बचूंगा अब यहाँ पर। यार वो तो सही हुआ, मतलब मेरा पीछे मेरा टीममेट था, दैट्स व्हाई इसने मुझे बचा लिया आराम से, और मैं बच भी गया ठीक है। उसके बाद वो वाले बंदे मारे, यहाँ पे रश करा कुछ बंदों पे, मेरे टीममेट ने एक पार्क करा था एनिमीज हेड का, यहाँ पे एक ड्रॉप भी पड़ा था। अब यहाँ पे मैं इस वाले रिच पे गाड़ी तो रोक देता हूँ, बट भाई यहाँ पे ये माउंटेन की वजह से मतलब बिल्कुल मैं नीचे फ्लोट करके आ रहा था, तो मैं पीछे आया और पीछे फ्लोट कर गया भाई। आराम से मैंने इन दोनों बंदों को नॉक करा, उसके साथ साथ फिनिश करा, मुझे लग रहा था इनका ही कोई टीममेट शैग में होगा, तो मैं उसे जाके सीधा डायरेक्ट मारने की कोशिश करता हूँ, अपने टीममेट को रिवाइव नहीं देता। यहाँ पे मैंने शैग में M249 रिलोड करी, फिर मैंने जगह मैंने कहा चला जा रिवाइव देता हूँ तेरे को, क्योंकि देखो अगर यार आसपास बंदा होता है ना तो भाई वो मार सकता है मतलब तुम्हें। और अभी तक जो है मेरे 23 किल्स हो चुके थे, तो मैंने अपने टीममेट को यहाँ बुलाया, उसके बाद मैंने दिया इसे रिवाइव। और यार ये एक बंदा ओपन से भक्के आ रहा था, ये मार रहा था मतलब वैसे जब हम यहाँ पे फाइट ले रहे थे पीछे से। और यार देखो अभी तक तो मैच बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, और मुझे ये चीज़ कंफर्म पता थी कि भाई हाँ इस वाले मैच में बस किसी भी तरीके से चिकन डिनर तो निकालना है, क्योंकि भाई नहीं मरना अब इस वाले मैच में, अगर मर गए तो बहुत गंदी बेइज्जती होगी। बस भाई तुम M4 के स्प्रे देखो भाई, क्या ही लेजर की तरह जा रहे सारे के सारे स्प्रे। ये देखे।
अब बच रहा था सिर्फ एक लास्ट बंदा, और भाई मुझे उसका सच में नहीं पता था वो कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं जैसे ही सामने गया, उस वाले बंदे ने मेरे मारना स्टार्ट करा, मैं सीधा कवर में आके नोक। मैंने अपने टीममेट को पोजीशन बता दी। ये पत्थर पे और बाकी काम तो यार मेरे टीममेट ने कर ही दिया था। बाकी यही था गाइस आज की इस वाली गेम प्ले वीडियो में। होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी 2022 की मतलब तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, मतलब तुम्हारा न्यू ईयर बहुत ज़्यादा अच्छा जाए और पूरा साल तुम्हारा बहुत ज़्यादा बढ़िया जाए, जो भी तुम्हारी विशेज हों भाई सारी की सारी पूरी हो जाए। बाकी मैं बोलता हूँ तुम्हारे से किसी एक वीडियो में किसी एक गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।